अगर आपको लगता है कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को रियलिस्टिकली ड्रॉ करना ही इतना मुश्किल होता है, तो इस तरह के आउट ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उतना भी मुश्किल नहीं होता है। और इस वीडियो में मैं आपको इसके लिए एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। और इस रेफरेंस फोटो में जो ये आउट ऑफ फोकस लीफ दिखाई दे रहा है, इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये टेक्निक कौन सी है और आपको इसके लिए कौन सी अप्रोच के साथ शेडिंग करनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अगर आप उन व्यूअर्स में से हो जो सीरियसली सीखना चाहते हो और इस ड्राइंग की पूरी शेडिंग प्रोसेस को रियल टाइम वीडियोस के साथ देखना चाहते हो, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज अब से रियल टाइम वीडियोस बस मेंबर्स के लिए आएंगी। तो आपको नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बट उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग। तो अब सबसे पहले हम रेफरेंस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और टोनल वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स को चूज करेंगे शेडिंग के लिए। लाइट वैल्यूज के लिए मैं यूज करूंगा HB और 2B ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल, और मिड टोन्स के लिए मैं यूज करूंगा 4B और 6B ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल, और डार्क वैल्यूज के लिए मैं यूज करूंगा कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल और स्टेडलर की 6B ब्लैक कार्बन पेंसिल। अगर आप मेरे सारे ड्रॉइंग टूल्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं शेडिंग अप्रोच की। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डार्क टू लाइट वाली अप्रोच, मतलब सबसे पहले मैं डार्क वैल्यूज वाले पार्ट्स में डार्क ग्रेड्स वाली पेंसिल्स को यूज करके डार्क शेडिंग करूंगा, उसके बाद मिड टोन्स को ऐड करूंगा और लास्ट में लाइट टोन्स को ऐड करूंगा। और इसके बाद टेक्निक की बात करें तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आपको हार्ड और सॉफ्ट एजेस के बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं पता तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मल फोकस में हो तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें उसके एजेस, उसकी शेप, उसकी बाउंड्रीज क्लियरली दिखाई देती है, उसकी डिटेल्स साफ साफ दिखाई देती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हम यूजली हार्ड एजेस को ड्रॉ करते हैं। बट जब वो ऑब्जेक्ट फोकस में नहीं होता, मतलब आउट ऑफ फोकस होता है, तो हमें उसके एजेस, उसकी बाउंड्रीज और उसकी डिटेल्स धुंधली नजर आती हैं, मतलब ब्लरी नजर आती हैं। और आर्टिस्ट की भाषा में बोलूं तो उस ऑब्जेक्ट के एजेस सॉफ्ट नजर आते हैं और उस पे जो भी डिटेल्स हैं उनके एजेस भी सॉफ्ट नजर आते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए भी हम सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ करते हैं। तो ये सिंपल सी टेक्निक यही है कि हमें हार्ड एजेस की जगह सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ करना है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस के बारे में अच्छे से समझने के लिए आप मेरी ये वाली दो वीडियोस को जरूर देखना। इनमें मैंने डिटेल में समझाया है कि हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस क्या होते हैं और इनको कैसे सही से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल के साथ डार्क वैल्यूज वाले पार्ट्स में शेडिंग करनी स्टार्ट करूंगा। डार्क वैल्यूज जैसे कि आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हो, ये पार्ट्स बिल्कुल ब्लैक हैं। और डार्क टू लाइट वाली अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्रॉइंग में भी सबसे पहले इन पार्ट्स में बहुत हल्के हल्के प्रेशर के साथ हल्की हल्की शेडिंग करके लेयर्स बनाऊंगा और दो तीन लेयर्स बना के इन पार्ट्स को पूरा डार्क कर दूंगा। और आपको भी इसी तरह से अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करके ही यूज करना है। अगर आप के पास कॉन्टे पेरिस की ये 3B पेंसिल नहीं है तो आप इसकी जगह कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज कर सकते हो, बट उसको भी अच्छे से शार्प करके ही यूज करना है। और अगर आपको चारकोल पेंसिल्स को शार्प करने में दिक्कत आती है, मतलब लेड बार बार टूट जाती है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने बताया है कि आप कैसे आसानी से चारकोल पेंसिल को अच्छे से शार्प कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लरी ऑब्जेक्ट्स या फिर आउट ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हमें हर जगह पे सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट एजेस ही बना रहा हूँ। मैं किसी भी आउटलाइन को, किसी भी बाउंड्री को शार्प या फिर क्लियर नहीं बनाऊंगा, बल्कि इस तरह से आउटलाइन के आसपास आउटलाइंस के दोनों तरफ शेडिंग करके उसकी शार्पनेस को या फिर उसकी बाउंड्री को ढक दूंगा। और मैं बहुत हल्का प्रेशर यूज कर रहा हूँ और बहुत पेशेंस के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। और डार्क वैल्यूज को कुछ पार्ट्स में ऐड करने के बाद अब मैं इन लेयर्स को इस ब्रश के साथ ब्लेंड करूंगा। और सॉफ्ट एजेस को बनाते टाइम ब्लेंडिंग के टाइम भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के साथ
साथ भी इस लीफ की, इस पत्ते की जो आउटलाइंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनको अच्छे से स्मज कर दूंगा, मतलब अच्छे से ब्लेंड या फिर मिक्स कर दूंगा। और ये इस तरह से बैकग्राउंड के साथ अच्छे से स्मज हो जाएंगी या फिर ब्लेंड हो जाएंगी। आप देख सकते हो कि अब इस पत्ते के जो एजेस हैं वो बिल्कुल भी शार्प या फिर क्लियर नजर नहीं आ रहे, ये बैकग्राउंड के साथ स्मज हो गए हैं, मतलब मिक्स हो गए हैं। और अब पत्तों पे जो ये लाइंस होती हैं, जिनको लीफ वेन्स भी बोलते हैं, इनको भी हम इसी तरह से सॉफ्ट एजेस के साथ ड्रॉ करेंगे, इनको भी शार्प और क्लियर ड्रॉ नहीं करेंगे। तो मैं जल्दी से अब मिड टोन्स और लाइट टोन्स को ऐड करके इन लीफ वेन्स को भी ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं 4B पेंसिल यूज करके यहाँ पे मिड टोन्स को ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऐसे ही धीरे धीरे रेफरेंस फोटो के हिसाब से जहाँ पे मिड टोन्स हैं वहाँ पे 4B और 6B के साथ मिड टोन्स ऐड करूंगा, और जहाँ पे लाइट टोन्स हैं वहाँ पे HB और 2B पेंसिल यूज करके लाइट वैल्यूज को ऐड करूंगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आउटलाइंस को शेडिंग के साथ और अलग अलग वैल्यूज के साथ ढक दिया है, और अब इस ब्रश के साथ इन लेयर्स को ब्लेंड करके मैं इन सारे पार्ट्स के एजेस को स्मज करके सॉफ्ट बना दूंगा, जिससे हमें ये लीफ ब्लरी या फिर आउट ऑफ फोकस दिखाई देने लगेगा। और इसके बाद इन कुछ पार्ट्स में भी मैं डार्क वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ ताकि लीफ के एजेस को थोड़ा और अच्छे से दिखा पाऊँ। ये टाइगर के ईयर का एरिया है, बट यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही तो ये डार्क नजर आ रहा है शेडोज की वजह से, और इसीलिए हम यहाँ पे डार्क ग्रेड की पेंसिल को यूज करके डार्क वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। इस सब के बाद यहाँ पे जो थोड़ी हाइलाइट्स हैं और जो ये डार्क शेडोज में टाइगर की व्हाइट फर के थोड़े हेयर दिखाई दे रहे हैं, उनको ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ टॉम्बो की मोनो जीरो इरेजर। और इस तरह से रेफरेंस फोटो के हिसाब से मैं इन पार्ट्स में थोड़ी और डिटेल्स को ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि हम इस सिंपल सी टेक्निक के साथ, मतलब हार्ड एजेस की जगह सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ करके, हमारी ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ फोकस या फिर ब्लरी दिखा सकते हैं। पोर्ट्रेट ड्राइंग में हार्ड एजेस और सॉफ्ट एजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरी इन दो वीडियोस को जरूर देखना। और इस टाइगर वाली ड्राइंग की रियल टाइम शेडिंग प्रोसेस देख के अगर आप सीखना चाहते हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और उससे पहले इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।